डियर फ्रेंड, चैनल में आपका स्वागत है। यूपी रिवेन्यू कोड 2006 की सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं रिवेन्यू कोड या राजस्व न्यायालय। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें रिवेन्यू बोर्ड और रिवेन्यू कोर्ट में डिफरेंस समझाया गया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा और आपका आपको रिवेन्यू बोर्ड और रिवेन्यू कोर्ट का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो आज हम देखते हैं कि रिवेन्यू कोर्ट क्या है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, ज्यूरिडिक्शन रिवेन्यू कोर्ट के क्या हैं और इनके पास में क्या शक्तियाँ होती हैं। ये इस सब्जेक्ट का एक कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा और उसके बेस पे आप कंप्लीट आंसर फ्रेम कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट क्विकली। तो व्हाट इज रिवेन्यू कोड? तो रिवेन्यू कोड बेसिकली रिवेन्यू कोड 2006 की सेक्शन 4 सब सेक्शन 16 में डिफाइन किया है और ये कंप्लीट लिस्ट है। डेफिनेशन के बजाय सिंपली लिस्ट दी गई है कि ये सारे की सारी अथॉरिटी रिवेन्यू कोर्ट होंगी। आप ध्यान से देखेंगे इसमें नंबर एक पे बोर्ड मेंबर भी हैं। बोर्ड मेंबर्स मींस रिवेन्यू बोर्ड। तो जो रिवेन्यू बोर्ड होता है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट रिवेन्यू कोर्ट होता है और इसके अलावा डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट रिवेन्यू अथॉरिटी जो कमिश्नर से लेकर के नायब तहसीलदार तक होती हैं सारी की सारी रिवेन्यू कोर्ट होती हैं। तो रिवेन्यू से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, जो भी सूट होते हैं, जो भी केस होते हैं उनके सामने आते हैं और उनको डिसाइड करते हैं और उनकी वो सुनवाई करते हैं। तो एक से लेके 14 तक जितनी भी अथॉरिटी हैं जब भी ये रिवेन्यू से रिलेटेड मुकदमों की सुनवाई करती हैं तो वो रिवेन्यू कोर्ट के नाम से जानी जाती हैं और उनकी अथॉरिटी रिवेन्यू कोर्ट होती है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अभी हम देखते हैं कि इनका रिवेन्यू कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। तो चूंकि रिवेन्यू कोर्ट और राजस्व न्यायालय एक राजस्व के मामलों के लिए एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है जो स्टेट लेवल पे रिवेन्यू बोर्ड से शुरू होती है और फिर जिस तरह से रिवेन्यू मैटर के लिए पूरा यूपी कमिश्नरी में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में डिवाइड होता है फर्दर, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग अथॉरिटी रिवेन्यू कोर्ट के रूप में कॉन्स्टिट्यूट होती हैं और बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल रिवेन्यू कोर्ट स्टेट लेवल के मैटर रिवेन्यू मैटर को हैंडल करता है लेकिन जो कमिश्नर होता है वो उसकी डिवीजन या कमिश्नरी लेवल के जो मुकदमे होते हैं रिवेन्यू के उनको हैंडल करता है। इसी प्रकार जो कलेक्टर होता है कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल के रिवेन्यू के मुकदमों को कोर्ट केसेस की सुनवाई करता है अपने कोर्ट में, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिवेन्यू कोर्ट माना जाता है जो कलेक्टर हैंडल करता है। इसी तरह से तहसील लेवल पे एसडीओ होते हैं, तहसील के ऊपर सॉरी डिस्ट्रिक्ट और तहसील के बीच में एक सब डिवीजन होती है, तो सब डिवीजन लेवल पे सब डिविजनल ऑफिसर होता है, सब डिविजनल ऑफिसर होता है जो इनकी सुनवाई करता है। और इसी तरह से तहसील लेवल पे तहसीलदार जुडिशियल और नायब तहसीलदार होते हैं जो अपने आप में तहसील लेवल पे रिवेन्यू कोर्ट होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिवेन्यू कोर्ट का मैटर समझ में आया होगा। तो डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन में डिफरेंट लेवल की अथॉरिटी रिवेन्यू कोर्ट बनाती है। अब हम देखते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ रिवेन्यू कोर्ट। तो बेसिकली रिवेन्यू कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन सेक्शन 206 से लेकर के 209 में बहुत ब्रॉडली कोड में कवर किया हुआ है और हम वन बाई वन इसको समझते हैं। तो सेक्शन 206 ये बोलता है कि यूपी के अंदर जितने भी राजस्व रिलेटेड मुकदमे होंगे, मामले होंगे, उनकी सुनवाई सिविल न्यायालय में नहीं जाएगी। सिविल न्यायालय को यह अधिकारिता नहीं है, सिविल कोर्ट को यह अथॉरिटी नहीं है कि वो यूपी में रिवेन्यू या राजस्व या लगान से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उनमें से किसी की सुनवाई कर सके। उनकी सुनवाई कौन करेगा? उनकी सुनवाई स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन में
यूपी रिवेन्यू कोड 2006 में जो बनी हुई डिफरेंट रिवेन्यू कोड है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, वो सब ही करने के लिए अथोराइज होंगी, सिविल कोर्ट नहीं करेगा। तो मेन चीज़ सेक्शन 206 में ये बताई गई है। तो आप देखेंगे कि यूपी के अंदर जो भी ज़मीन के से रिलेटेड मुकदमे होते हैं, खेती की ज़मीन से रिलेटेड मुकदमे होते हैं, वो रिवेन्यू कोर्ट के अंदर जाते हैं और जैसा उसकी ज्यूरिडिक्शन होती है उसमें जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गांव में खेती की ज़मीन को लेकर के कोई झगड़ा है तो वो मामला तहसील में जाता है, तहसील के बाद अपील में वो ऊपर जा सकता है, लेकिन जनरली जिस तरह का मुकदमा है उसी लेवल की अथॉरिटी पे वो जाता है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा सकता है कलेक्टर के पास, और डिवीजन लेवल पे कमिश्नर के पास भी जा सकता है। उसके लिए व्यवस्था की गई है कोड के बाद में, एक शेड्यूल 3 बनाया हुआ है, एक अनुसूची 3 लगाई हुई है, जिसमें अलग अलग टॉपिक कॉलम 2 में लिखे गए हैं, और ये कॉलम 3 में ये बताया गया है कि इससे रिलेटेड मुकदमा किसके पास में जाएगा। तो आप कोड्स को देख करके उसको रेफर कर सकते हो, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। दूसरे तो 206 सेक्शन के अंदर ये बताया गया है कि जो टॉपिक अनुसूची 3 या शेड्यूल 3 के कॉलम 2 में बताया गया है, उसके लिए वो किसके पास जाना है, वो उसके कॉलम 3 में बताया गया, वो उसके कॉलम 3 वाले के पास ही जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड, सीमा विवाद से लेकर कोई मुकदमा है, तो वो शेड्यूल 3 के अंदर कॉलम 2 में लिखा गया है बाउंड्री डिस्प्यूट के नाम से, और शेड्यूल 3 में लिखा गया है कि वो SDO के पास जाएगा, तो आप उसको SDO के पास ही लेके जाएंगे, वो तहसीलदार उसको नहीं देख सकता, या आप उसको डायरेक्टली कलेक्टर के पास लेकर के नहीं जा सकते, ऐसा बताया गया है सेक्शन 206 के सब क्लोज बी के अंदर। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ इस सेक्शन में ये भी बताई गई है कि अगर किसी पार्टी को ऐसा लगता है कि मेरा मुकदमा इस रिवेन्यू कोर्ट में नहीं चलना चाहिए, इसको इसकी अथॉरिटी नहीं है, और दूसरी पार्टी उसमें लेके उसको लेके गई है घसीट करके, तो अगर उसने उस ऑब्जेक्शन को उठाना है तो उसको इमीडिएटली उसी अथॉरिटी के सामने उठाना है। अगर आपने उस समय नहीं उठाया और बाद में आप रिवेन्यू कोर्ट ने फैसला दे दिया और आप अपील के टाइम पे अपर रिवेन्यू कोर्ट में जाके बोल रहे हो, तो वो उस समय एंटरटेन नहीं होगा। आप उस समय उसको उठाना है, अगर वो नहीं भी माना जाता है तो आप उसके रिकॉर्ड को ऊपर बता सकते हैं कि हमने ये मामला उस समय भी उठाया था और ये उसका प्रूफ है, यह उसकी एप्लीकेशन है, तभी ऊपर वाला कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा। तो ये था 206 में रिवेन्यू कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बारे में। अभी सेक्शन 204 फर्स्ट अपील के बारे में बोलता है। बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि पहली अपील किस तरह के मुकदमे की कहाँ जाएगी। तो आप अगर अनुसूची 3 को देखेंगे तो उसके कॉलम 2 में जितने भी टॉपिक दिए हैं वो कहाँ जाएंगे, वो मुकदमे पहली बार कहाँ जाएंगे, वो कॉलम 3 में दिया गया है, और उसकी अपील किस में जाएगी वो कॉलम 4 में दिया गया है। तो जहाँ कॉलम 4 में जिसके पास अपील लिखी हुई है, फर्स्ट अपील उसके पास ही जाएगी, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर अनुसूची 3 में कॉलम 2 में म्यूटेशन या दाखिल खारिज से रिलेटेड मामला है, तो वो पहली बार में जाएगा तहसीलदार के पास निपटारण के लिए, और तहसीलदार ने उसका निपटारण कर दिया और पार्टी उसकी अपील के लिए जाना चाहती है, तो वो कॉलम 4 में SDO सब डिविजनल ऑफिसर लिखा है उसके पास जाके अपील कर सकती है। तो सेक्शन 204 सामान्य रूप से ये बात बताता है, और इसके अलावा ये भी बोलता है कि अगर ऐसे मुकदमे हैं जो उस अनुसूची में कवर नहीं होते पर जिनकी नेचर या जिनकी प्रकृति सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 47 और सेक्शन 104 से मिलते जुलते हैं, उनकी भी अपील हो सकती है। और इसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की के आदेश संख्या 43 और रूल 1 के
जो फर्स्ट शेड्यूल है उसकी, उसके जो उससे जो रिलेटेड मिलते जुलते मामले हैं उनकी भी अपील हो सकती है। तो बेसिकली ये जो बात हम कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड का रेफरेंस देके, वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की कर रहे हैं, जो इन बिटवीन ऑर्डर कोर्ट पास करता है, अगर वो अपीलेबल हैं सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से और उनको अगर रिवेन्यू कोड 2006 के शेड्यूल 3 में नहीं मेंशन किया गया है तो उनकी भी अपील हो सकती है। तो सेक्शन 207 इतना बोलता है। सेक्शन 208 बोलता है सेकंड अपील के बारे में। तो सेकंड अपील का भी बहुत सिंपल फंडा है, आप अनुसूची 3 को देखिए, शेड्यूल 3 को देखिए उसकी, और उसमें कॉलम 2 में जो टॉपिक दिए हैं उसके सामने लास्ट में कॉलम 5 है। कॉलम 4 फर्स्ट अपील के लिए है और कॉलम 5 सेकंड अपील के लिए। अगर उसमें लिखा है तो सेकंड अपील होगी और नहीं लिखा है तो सेकंड अपील नहीं हो सकती, ये उसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है। और आप फर्स्ट अपील को 30 डेज के अंदर अंदर करेंगे ऑर्डर पास होने के बाद में, और सेकंड अपील को 90 डेज के अंदर अंदर आपको करना होता है। तो ये सेक्शन 207 एंड 208 बोलते हैं। सेक्शन 209 भी इम्पोर्टेंट है, ये बोलता है कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जिनकी अपील नहीं हो सकती। तो 209 में ऐसे 8 केसेस बताए गए हैं जिसमें अपील नहीं हो सकती। तो पहला है चैप्टर 11 में जितने भी ऑर्डर पास होते हैं, मतलब लगान वसूल करने से रिलेटेड चैप्टर 11 है, रिकवरी ऑफ लैंड रिवेन्यू, उससे रिलेटेड जितने भी मामले हैं उनकी अपील नहीं हो सकती, उनके ऑर्डर फाइनल होते हैं। और दूसरा है कि अगर कोई आपकी अपील खारिज हो गई है इस बेस पे कि वो परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत बार हो गई है तो उस पे भी अपील नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी थी लेकिन आपने 30 दिन बीत गए अपील नहीं की, तो फिर लेके जाएंगे तो फिर आपकी अपील खारिज हो जाएगी, कोई सुनेगा नहीं। अगर आपकी रिवीजन या रिवीजन से रिलेटेड अपील भी खारिज, एप्लीकेशन खारिज हो गई है तो आप उसकी भी अपील नहीं कर सकते। अगर आपकी स्टे या इंजेक्शन से रिलेटेड अपील भी खारिज, एप्लीकेशन खारिज हो गई है तो आप उसकी भी अपील नहीं कर सकते हैं। और सबॉर्डिनेट का कोई रिमांड देने से रिलेटेड आपने एप्लीकेशन दी थी उसकी भी आप अपील नहीं कर सकते। और कोई ऐसी डिक्री है जो इंट्रिम नेचर की है या कोई ऐसा ऑर्डर है तो वो भी अपीलेबल नहीं हो सकता। और सातवें नंबर पे है कि कोई ऐसा ऑर्डर या कोई ऐसा फैसला जो पार्टी की सहमति से हुआ है उस पे भी अपील नहीं हो सकती। और लास्ट इसमें आठवां है कि कोई एक्स पार्टी डिक्री पास हुई है या डिफ़ॉल्ट की वजह से कोई डिक्री पास हुई है, मान लिया दूसरी पार्टी आई नहीं और वो मेरिट पे केस फाइनल हुआ और उस पे ऑर्डर दे दिया तो उस पे भी अपील नहीं हो सकती। तो सेक्शन 209 8 टॉपिक पे अपील को बार करता है। अभी हम कवर करते हैं पावर ऑफ रिवेन्यू कोर्ट। रिवेन्यू कोर्ट के पावर बेसिकली लेस और मोर वही हैं जो रिवेन्यू बोर्ड के हमने पहले वीडियो में देखे थे, लेकिन क्विकली हम इनको रिवेन्यू कोर्ट के परस्पेक्टिव में कवर करते हैं। तो सेक्शन 210 ये बोलता है कि रिवेन्यू कोर्ट में दो अथॉरिटी को पावर है कि वो किसी भी नीचे वाली कोर्ट के केस को अपने पास में मंगा सकते हैं। एक तो रिवेन्यू बोर्ड को ये पावर है और एक कमिश्नर को ये पावर है। कमिश्नर और रिवेन्यू बोर्ड दोनों ही रिवेन्यू कोर्ट होते हैं, अब आप समझ गए होंगे। अगर उनको किसी अपने अंडर के कोर्ट के किसी केस में ऐसा लगता है कि उसमें उसको उस केस की लीगलिटी चेक करनी चाहिए और किस तरह से उसमें डिसीजन सही या गलत हुआ है उसको चेक करना है, वो सुओ मोटो भी कर सकता है और पार्टी एप्लीकेशन देती है तो भी कर सकता है। तो जनरली 3 केसेस में कॉल ऑफ रिकॉर्ड होता है और इसको आप रिवीजन भी समझ सकते हैं। सीपीसी की भाषा में जो रिवीजन कोर्ट अपर कोर्ट रिवीजन करते हैं वो यहाँ पे पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो 3 ऐसे केस हैं, मान लिया निचली वाली अदालत ने
जो उसको ज्यूरिडिक्शन दिया गया था उस ज्यूरिडिक्शन का उसने यूज़ नहीं किया। फॉर एग्जांपल कोई पार्टी केस लेके आई और उन्होंने बोला हमारा ज्यूरिडिक्शन नहीं है, उसको एंटरटेन नहीं किया, तो उसको भी वो अपने पास मंगा सकता था। और अगर ज्यूरिडिक्शन जो था उससे बाहर जाके उन्होंने कोई फैसला कर दिया है, उस केस को भी अपने पास मंगा के चेक कर सकता है। और ज्यूरिडिक्शन को अगर निचली वाली अदालत ने या रिवेन्यू कोर्ट ने इलीगल तरीके से या उसमें मटेरियल इरेगुलरिटी की है और तब उस केस पे फैसला सुनाया, तो भी वो उसको मंगा सकता है। इसमें सो मोटो भी हमने बताया कर सकता है, और वो पार्टी एप्लीकेशन देगी तब भी कर सकता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है, इसमें दो जगह पे एप्लीकेशन दी जा सकती है, बोर्ड में भी दी जा सकती है और कमिश्नर के पास भी दी जा सकती है। अगर बोर्ड में दे दी और बाद में पार्टी सोचे कि अब मैं कमिश्नर पे दे दूं और एप्लीकेशन वापस ले लूं, तो वो भी परमिशिबल नहीं होगा। और अगर दोनों में से कहीं भी एक जगह दी है और उस बोर्ड या कमिश्नर ने अपना ऑर्डर दे दिया, तो फिर आप दूसरी जगह पे नहीं कर सकते हैं। और इसकी ड्यूरेशन है 60 डेज, 60 डेज में ये एप्लीकेशन देनी होती है। अब हम चलते हैं सेक्शन 211 में, पावर ऑफ रिव्यू। पावर ऑफ रिव्यू का मतलब ये है, ये पावर सिर्फ बोर्ड के पास में है, बोर्ड के नीचे जितने भी रिवेन्यू कोर्ट हैं उनके पास में ये पावर नहीं है। ये क्या पावर है कि अगर बोर्ड ने कोई अपना डिसीजन दे दिया, लेकिन बाद में उसको लगा डिसीजन देने के बाद सर्टेन ड्यूरेशन में कि उसमें कोई नया एविडेंस सामने आया है और पार्टी ने एप्लीकेशन दे के रिक्वेस्ट की है कि ये एविडेंस पहले हमें पता नहीं था और ये हम ऑर्डिनरी प्रूडेंस में भी इसका पता नहीं कर सकते थे, और कोर्ट को ऐसा उचित लगता है कि ये जेन्युइन पार्टी डिमांड कर रही है, तो भी वो अपने ही केस को, अपने ही फैसले को रिव्यू कर सकता है। और दूसरी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कोर्ट को रिविजन देने के बाद में, डिसीजन देने के बाद में लगता है कि फेस ऑफ रिकॉर्ड पे एकदम प्राइमा फेसी दिख रहा है कि इसमें डिसीजन गलत हो गया है, तो भी वो उसको रिव्यू कर करके और चेंज कर सकता है जैसा उसको ठीक लगता है। और तीसरा एक ओपन ब्लैंकेट रीजन दिया है कि कोई भी अगर दूसरा कोई केस रीजन कोई लगता है कोर्ट को कि उसमें उसको रिव्यू करना चाहिए, तो भी वो उसको कॉल करके रिव्यू कर सकता है। और इसकी ड्यूरेशन है 16 डेज, 60 डेज। पार्टी 60 डेज के बाद अगर एप्लीकेशन देगी तो वो बार हो जाएगी, वो एंटरटेन नहीं होगी। तो ये था सेक्शन 211। अभी क्विकली 212 पे चलते हैं, पावर टू ट्रांसफ़र। तो बोर्ड के पास में ये पावर है, नीचे वाले रिवेन्यू कोर्ट के पास में ये पावर नहीं है। बोर्ड को अगर जब भी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में लगता है, तो वो किसी भी पेंडिंग मुकदमे को जो किसी भी लोअर रिवेन्यू कोर्ट में हो, वहाँ से उसको ट्रांसफ़र किसी दूसरे रिवेन्यू कोर्ट में कर सकता है। बट उसकी कंडीशन यही है कि वो जिस कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो कोर्ट पहले वाले कोर्ट से कम लोअर कैपेसिटी का नहीं होना चाहिए या उसके हायर होना चाहिए। तो मिनिमम सेम लेवल पे ट्रांसफ़र कर सकता है और इसके ऊपर भी कर सकता है। तो ये था रिवेन्यू कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन, पावर और कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, प्लीज़ मार्क, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।